हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे अदरक और लहसुन से चटपटी चटनी बनाने के बारे में। बहुत साधारण विधि, बहुत ही कम सामग्री में बिना टमाटर के टेस्टी चटनी आज आपको बना के दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, हमने आधा कटोरी लगभग लहसुन की कलियाँ ली हैं और अदरक के टुकड़ा लिया है। 2 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से हमने बारीक कट किया है और लाल मिर्च पाउडर, इन तीनों चीज़ों से हम आपको चटपटी चटनी बनाना सिखाएंगे और बाकी सामग्री हम बीच में यूज़ करेंगे वीडियो के, तो आप वीडियो के स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने तड़का पैन को गैस पे रख दिया है, गैस को ऑन किया और उसमें हमने डाला 1 चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ। गैस का फ्लेम मीडियम है, अदरक को भी डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर को भी डाल देंगे। तीनों को एक साथ हमें डालना है। अब मीडियम फ्लेम पे इसे इस तरह से चलाते हुए हमें पकाना है। मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट तक हमें ऐसे ही भूनते हुए पकाना है। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार और सामग्री अनुसार, मतलब जितनी आपकी मात्रा हो सामग्री के, उस हिसाब से आप नमक इसमें ऐड करिएगा। तो हमने थोड़ा सा ऐड किया है, फिर से इसे पकाना है। इतना पकाना है कि हमारे जो लहसुन है अच्छे से पक जाए, उसमें कच्चापन ना रहे। अदरक को तो हमने पतला पतला कट किया है, तो आसानी से पक जाएंगे। लहसुन भी हमारे पक चुके हैं। अब इसको हम गैस को बंद करेंगे और इसे थोड़ा सा कूटेंगे। देखिए, हमने इसे फ्लेम से उतार लिया है। इस तरह से हम ले लेंगे अदरक कूटने वाला और इसी जिस बर्तन में आपने बनाया है उसी में इस तरह से आप इसे कूट सकते हैं आसानी से। आप चाहे तो मिक्सी में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आसानी से कूट सकते हैं आप, तो आपको मिक्सी गंदा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारी चटनी। अगर आपको हमारा तरीका, हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा एक बार। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारी अदरक और लहसुन की चटपटी चटनी। आप भी इस तरह से बनाकर खाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।